में और उसकी तैयारी के संदर्भ में आज आहूत जो संसदीय टीम पार्टी की बैठक में मैं सबसे पहले अपने राज्य के सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी अपने राष्ट्रीय जो एजेंडा है उसके साथ एनडीए के साथ मिलकर इस प्रदेश में राष्ट्रीय और राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व एनडीए के पक्ष में एक बड़ा जनादेश के लिए राज्यव्यापी तैयारी का के लिए संकल्पित है। पार्टी संयुक्त रूप से एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे और उसी ने को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्रप्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। पार्टी ने राज्यभर में एनडीए की बड़ी जीत के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी लोकसभा क्षेत्रों में गिरिडीह और रांची जो पूर्ण हो चुका है, जब हमारा गांव प्रभारी महिला प्रभारी हर गांव के अंदर दो पिलर मेंबर हमारे जो सुनिश्चित है उनके साथ सम्मेलन करके एक बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में आए इसकी तैयारी को लेकर एक पखवाड़े के अंदर में सभी शेष लोकसभा क्षेत्रों में भी सम्मेलन करने का और उन्हें राष्ट्रीय जो हमारा एजेंडा है राष्ट्रीय एजेंडा में खुद को शामिल करते हुए एनडीए के पक्ष में लोगों की गोलबंदी जनमानस की गोलबंदी को एक साथ बेहतर रूप से हम लोग कैसे तालमेल के साथ कर पाए उसकी तैयारी के लिए उन्हें आगे करेंगे। राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय और चुनावी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन के लिए भी टीम गठित करने का निर्णय लिया है। इस बीच एक उपचुनाव है हमारा गांडे का, गांडे उपचुनाव के संदर्भ में चूंकि वहां हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा चुनाव क्षेत्र पिछले बार भी रहा है जब हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, अब उस क्षेत्र में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और लोगों का वर्तमान समय का मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है जो 1-2 दिन के अंदर उस क्षेत्र में जाएंगे, प्रवास करेंगे और वहां से एक जनमत तैयार करके पार्टी के समक्ष रखेंगे। फिर आगे हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए के संदर्भ समझ इस एजेंडा को रखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे गांडे के संदर्भ में। लोकसभा स्तर पर भी पार्टी ने प्रभारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है ताकि बेहतर तालमेल हर लोकसभा क्षेत्र में हमारा एनडीए के साथ हो सके। भारत के नवनिर्माण की बारी चल रही है, भारत खुद को एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक प्रगतिशील देश की सूची में खड़ा होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग एक झारखंड के रीजनल जो मुद्दे देशव्यापी विषय हैं उनका भी हल करने का उद्देश्य के साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी, पार्टी के वर्कर काम करेंगे और राज्य के लोगों को से जनादेश मांगा जाएगा। गांडे के लिए आप क्या दावेदारी करेंगे? अभी डिसीजन हो गया है कि आप करेंगे वहां? उड़ीसा और बंगाल और असम से भी पार्टी के खासकर हमारा यूनिट बंगाल में और उड़ीसा में पहले से विद्यमान है। हम लोग ने पंचायत विधानसभा लोकसभा अलग अलग चुनाव भी समय समय पर लड़ते रहे तो पार्टी की उस इकाई के लोग का भी राय हो रहा है और जो राय आएगा उस पर भी निर्णय होगा। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र की बड़ी आबादी असम में रहती और एक वहां लोकलिटी के साथ एक अच्छा जनसमूह उधर तैयार हुआ है और उनका जनमत हमारे इस प्रदेश के विचारों के साथ सहमति खाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां के भी कई लोगों का राय आया है उस पर भी पार्टी विचार करेगी। इस बार गिरिडीह की लड़ाई कैसे देख पा रहे हैं आप? गिरिडीह में लड़ाई है? देखो ये लड़ाई राष्ट्रीय विषय का है, हम जब पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा है,
राष्ट्र में और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कौन होंगे, ये इस मत पर, इस पे मत करेंगे पूरा देश के लोग। और हम मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने के लिए एक विधानसभा, एक लोकसभा से हमारा प्रत्याशी वहां नेतृत्व करेंगे और ये प्रत्याशी हमारे रीजनल मुद्दों का नेतृत्व करेंगे। पिछला 5 साल के समय भी रीजनल जो बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र के लिए था उसका नेतृत्व किया है और उसको कानूनी जो पेंच था उसको दूर करते हुए न केवल कागजी निर्णय रहने दिया बल्कि धरातल में लाने की तैयारी हम लोगों ने किया है। ये बातें आएंगी, चुनाव के साथ एजेंडा भी बड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन एजेंडा राष्ट्रीय फलक पर अगर लड़ाई है तो राष्ट्रीय फलक का ही विषय एजेंडा होगा, लेकिन रीजनल नेतृत्व रहेगा उसमें। एनडीए ने तो सभी लोकसभा सीट पर विवाद उतार दिया, लेकिन जो सामने में जो एनडीए जो है वो अभी तक जो इंडिया है उन्होंने अभी तक पूरा फैसला नहीं लिया, अभी तक कांग्रेस की है। इंडिया के संदर्भ में मेरे विचार बड़ा स्पष्ट है, इंडिया का कमिटमेंट देश के साथ पूर्णतः है ही नहीं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका ताना बाना बुन रहे हैं। वो कई शक्तियों को एक साथ लाकर खड़ा करके अलग अलग शक्ति जिसका अलग अलग एजेंडा है। मजेदार बात है कि आपके साथ लड़ने वाले जो भी दल हैं उस दल का एजेंडा कॉमन नहीं बना है, इस इंडिया का कोई एजेंडा कॉमन अभी तक नहीं बना है। जहां से भी वो बंगाल में अगर उनके लीडर के साथ उनका कोई गठजोड़ है तो उनका अपना सेल्फ एजेंडा है, चुनाव का एजेंडा जरूर एक कर लिया है और उसका एजेंडा ये है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, एनडीए को आने से कैसे रोका जाए, इसी एजेंडा में वो लोग काम कर रहे हैं। एक नया फैक्टर है वहाँ पे जयराम माथुर, एक सवाल मेरा है कि आप क्या, एक मेरा सवाल बोलो 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 एक मेरा सवाल अखिल जी की आप जो बोले अभी मुद्दों की बात, एनडीए में बीजेपी का जो मुद्दा है जो नेशनल लेवल पे मुद्दा है उस मुद्दों के साथ आंसू जाएगी या आंसू ने क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर भी आपने एक बड़ा, बिल्कुल मैंने कहा कि मेरे रीजनल चेहरा होंगे राष्ट्रीय फलक पर और मेरा एजेंडा राज्य है, राज्य के विषय होंगे, रीजनल दल के नाते मेरा दायित्व तो बनता है। मैं इसलिए वहां पर नहीं जाऊंगा कि मेरी उपस्थिति हाउस में 5 साल तक नगण्य रहे, मैं ऐसे पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मेरे प्रतिनिधि वहां पर नहीं जाएंगे, मेरे प्रतिनिधि रीजनल जो राज्य के लिए आवश्यक है राष्ट्रीय फलक पर फैसला होना ऐसे मुद्दे उनके सामने रहेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से दल का और एक सहयोगी दल के रूप में भी मैं प्रधानमंत्री जी आदरणीय जो हमारे लीडर होंगे या फिर जो नेक्स्ट टू हमारा जो टीम आएगी उस टीम के सामने इन विषयों को हम लोग रखेंगे, पहले भी रखा है और इसको हम चाहेंगे कि इसका निर्णय झारखंड वासियों के पक्ष में आए और जल्द से जल्द उन विषयों का हॉल हो और उसका डिटेलिंग भी हम लोग कर रहे हैं कि किन एजेंडाओं को राष्ट्रीय फलक पर रखेंगे। अभी एक बोर्ड हमारा बनेगा, कमेटी बनेगा, हम जाएंगे क्यों और क्यों जाना चाहते हैं वो पूरा एजेंडा भी आपके सामने रहेगा। एकदम आज भी इसकी जरूरत है, मैं विशेष राज्य का दर्जा क्यों हूँ तो पुअर स्टेट के रूप में डिक्लेयर है हमारा। रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने उस समय भी कहा था आज भी मैं कह रहा हूँ, उस समय तत्कालीन जो रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट में हमारा प्रदेश कहाँ खड़ा था, कई चीजें हैं जो राज्य को रियायत चाहिए सेंट्रल से कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक बेहतर संचालन के लिए कई बॉडी पर कई इस तरह से जो राष्ट्रीय जिस पर राष्ट्र स्तर पर नियंत्रण जिन विषयों का है उस विषयों पर राज्य के लोगों का कैसे ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी तय हो सके, ये सारे विषय हैं, कई एजेंडा है, मैंने कहा उसको हम डिक्लेयर भी करेंगे और कहां हम चाहते हैं कि राज्य के पक्ष में उनका निर्णय आए ये बात को भी आपके साथ स्पष्ट करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी रखेंगे। ये आएगा, मैं अपने जब हम लोग इलेक्शन में जाएंगे या फिर हमने जो पिछले बार कहा है, मैंने पिछले बार जो हमारा है सबसे बड़ी जीत आज तक उस इतिहास में इतनी बड़ी जीत वहां नहीं हुई, लगभग 2.5 लाख का प्यार ज्यादा जीत का प्यार वहां के लोगों ने दिया है। अब वहां के लोगों के साथ मिलके जो मूल एजेंडा क्या है, पूरे गिरिडीह का दो एरिया देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे एक शहरी क्षेत्र भी है वहां पर है, कई शहर पर माइंस के कारण कुछ शहर का रूप ले लिए हैं और कुछ एरिया है जो पूर्ण रूप से काफी प्रभावित क्षेत्र भी है जो काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है। तो ये हम हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विषय है और हर विषय पर हम लोग ने अपना आने वाला समय का क्या एजेंडा होना चाहिए उसको बड़ा डिक्लेयर करेंगे। शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं होंगी, माइंस एरिया की अपनी समस्याएं हैं और काफी रूरल डेंस जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग जनजाति हमारा रहता है उनका मामला अलग है। एकदम से वो सारा मुद्दा रहेगा और आपने देखा होगा एक बड़ा एजेंडा जो आप पूछना चाहते थे तो आप देखे होंगे कि हमारे जो लोकसभा के हमारे जो सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने पहली बार ये ट्रिब्यूनल
कोर्ट को नीचे लाने के लिए वो जो फैसला पहले था या निर्णय पहले से था, उस निर्णय कभी भी जमीन पे नहीं आ पाया था। विनोद बाबू के समय में इन विषयों पर चर्चाएं खूब हुई, उनके लीडरशिप में चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद से कभी भी इसकी चर्चा तक नहीं हो पाई थी। आज भी लोग, विस्थापित लोग अपना कागज पत्र लेके दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब वो रिटायर जज होंगे, रिटायर जज की कमिटी होगी और स्पेशल कोर्ट के माध्यम से ऐसे सारे मामलों को हल निकालने का निर्णय आया है। एक सवाल ये है कि जब जेल में भेजने का जो मुद्दा है वो इंडिया अलायंस इसको लेकर के जनता तक सोचा ही रही है, नामधारी जी ने बयान दिया है और कहा है कि इसका असर ये होगा कि एनडीए आधे सीट भी अगर जीत जाए यहाँ पे 14 में से तो वो काफी होगा। राजनीति में अलग अलग लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बयानबाजी करेंगे, ये राजनीति में कॉमन एजेंडा पर या फिर कॉमन कोई बहस का हिस्सा तो बनते नहीं। अपनी सुविधा और सुविधा के हिसाब से लोगों के बयान आएंगे, इसीलिए तो राजनीतिक फलक पर अभी दो महीना आप कई तरह के बयान देखेंगे, कई तरह के विषय आएंगे, तो उसमें से एक विषय वो भी है। हमारा अप्रोच बड़ा स्पष्ट है कि 13 जगह पर हमारी पार्टी का जिस रूप से विस्तार है, जिस रूप से फैलाव है, हम चाहेंगे कि मेरा एक भी कैडर, एक भी कार्यकर्ता एनडीए के निर्णय के साथ एकदम खड़ा रहे और उनके पक्ष में माहौल और वोट कराने की तैयारी करें। 2019 में भी फॉर्मूला 30+1 है, 24 में भी आपका 13+1 है, क्या ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में आप ज्यादा सीट को लेकर उठाएंगे? क्या अभी ये पोजीशन उचित है? सातवें होता तो मैं अभी दोनों फॉर्मूला लेके बैठ जाता, अभी है, अभी तो ये नहीं है, अभी जो चुनाव सामने है। मैं कहा एकदम, मैं तीसरा पोजीशन, मैं पहला पोजीशन जो जीते थे, दूसरा पोजीशन भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा हमारा था, हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज उनके कैंडिडेट जो सेकंड कैंडिडेट थे वो अब दूसरे पार्टी में चले गए, अब स्वतः हमारा वहाँ कैंडिडेट जो भी है वो काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम हैं वहाँ पर। उसके मूल्यांकन के लिए तो मैं पार्टी के 5 सदस्यीय दल का गठन कर रहा हूँ, ये लोग जाएंगे, वर्तमान में पार्टी की स्थिति और क्षेत्र के लोगों की भावना दोनों को कलेक्ट करके आएंगे, फिर हम लोग एनडीए में बैठेंगे। बंगाल के बारे में भी चर्चा की आपने, बंगाल में भी दावेदारी कर सकती क्या लोकसभा चुनाव? बंगाल में हमारे पार्टी का पक्ष जानने के लिए हम लोग आएंगे, हमारे पार्टी यूनिट जो पुरुलिया मेदिनीपुर बांकुड़ा का है, वो लोग आपस में बैठेंगे और बैठ के विचार देंगे। उड़ीसा के लोग आए हुए हैं, उड़ीसा के मेरे राज्य जो प्रतिनिधि टीम आई हुई है और कई महत्वपूर्ण लोग भी आए हुए हैं, हाँ इसीलिए वो ध्यान में है। मैं कहा ना उसके लिए टीम निर्णय करेगी, एक टीम रख रहे हैं, वो निर्णय करेंगे। बोलो और कुछ? रविंदर पांडे अलग अलग चल रहे, उनका क्या सहयोग मिलेगा? भाई मैं तो हर लोगों का सहयोग चाहूंगा, मैं तो जब एक अदना सा एक आम लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ, मैं अपनी अपील के अंदर उनको चाहता हूँ, उनकी इच्छाओं के लिए नेतृत्व देना चाहता हूँ, तो मेरे लिए आम और खास बराबर है। इस चुनाव में सभी लोगों का सहयोग हम चाहेंगे और ताकि एक बेहतर जनमत के साथ हम इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। मेरा नियंत्रण नहीं ना उनके ऊपर, जब मेरा नियंत्रण किसी के ऊपर नहीं है। सामने आएंगे तो कैसा होगा मुकाबला? देखो मुकाबला का आकलन अभी नहीं किया जा सकता और मुकाबला वहां नहीं होता है इस तरह से। मैं तो रविंदर भाई हमारे पुराने सहयोगी हैं और हम लोग अभी भी मिलते जुलते हैं और मेरी पूरी मेरा पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मक उनका विचार होगा। राजनीतिक में विचारों का अंतर कभी कभी होता है, लेकिन आगे देखे हो सके साथ में खड़े रहेंगे। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता, मैं तो उल्टा सोचता ही नहीं कभी भी। चलो और कुछ? देखिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा पिछला बार उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोग काफी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव भारी अंतर में और सब सर्वाधिक वोट से हम लोग जीते भी, और जो 5 साल का कार्यकाल रहा काफी संतोषजनक रहा। बीच में कुछ कमियां रही है कोरोना काल में, जो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि गिरिडीह जिला जिस समय 2019 में जो स्थिति था उस समय, जो आकांक्षी जिला में गिरिडीह
61वां नंबर पर था, जो अभी वर्तमान में हम तीसरे नंबर पर विकास के सभी विषय को लेकर जो विकास के चीजें हैं जो काम हुआ है आज तीसरे नंबर पर खड़ा, तो ये हमारी उपलब्धि रही और मैं पूरा प्रयास करूंगा आने वाले समय में भी विकास के कार्यों को गिरिडीह को आगे ले जाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा और पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित तौर पर इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। सर वहाँ पे आप कोयला चोरी रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं, उसमें कितनी सफलता? देखिए कोयला चोरी एक विषय रहा है, उसमें हम सड़क पर भी उतर कर कोयला चोरी का हमने विरोध किया, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया, वर्तमान सरकार कोयला चोरी को कितना महत्व दिया है या किन्हीं लोगों से छिपा हुआ है, खास करके धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया लोग जो कोयला चोरी में सफल भी रहे, सरकार का संरक्षण भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद होने के नाते हमने उसका विरोध किया। कई कई जगहों पर हम खुद जाकर गाड़ियों को रोका, छापामारी किया, इस तरह से हुआ, लेकिन हमेशा गलत लोगों का विरोध हमारी पार्टी करते रहे और आगे भी हम लोग माफियाओं के विरोध में हमेशा सड़क पर रहेंगे। ठीक है, एक लाइन वही बस, क्षेत्रीय मुद्दों का राष्ट्रीय चेहरा होंगे पार्टी तरफ से, पार्टी का एजेंडा ही। लेके आओ लेके आओ लेके आओ, एक मिनट माला एक साथ सब लाना चाहिए ना वहाँ से जब चले हेलो और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं ना, वो पिक्चर अच्छी थी। हो गया है? नहीं नहीं, ओ इसको वापस ले जाने का। एक फोटो बना लेंगे सब। ठीक धन्यवाद आपको, इतना इंतजार कर। पिंटू पिंटू पिंटू।